तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको अप्रैल से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पे स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी लेकिन अभी अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पे स्टॉक में 9.79% की यहाँ पर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। साथ ही आज की तेजी के साथ हमको यहाँ पे स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है ये पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार 20.30 का जो लेवल है इसे नीचे यहाँ पर ट्रेड करा था लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें अगर यहाँ से भी स्टॉक में और तेजी आती है तो यहाँ से भी और तेजी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर अभी स्टॉक में 21.80 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करता है देन यहाँ से भी हमको स्टॉक 23.50 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 25 और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक अभी 27 और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन ऐसे अभी हमको स्टॉक 30 और 35 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट स्टेप पर रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 20.30 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 19 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 17.70 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट स्टेप है सपोर्ट। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।